अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एस्पायरिंग होम्स। मेरा नाम मोहम्मद हसन और आज आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रॉयल पैलेस लेके आया हूँ। और दिस इज़ द बेस्ट इन द मार्केट राइट नाउ एंड दिस इज़ डिज़ाइंड बाय असद अफजल डिज़ाइन। और माशाल्लाह से असद अफजल साहब ने बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का इसको क्लासिकल स्टाइल में डिज़ाइन किया है और उनका नंबर वगैरह नीचे है। तो अगर आपको घर डिज़ाइन करवाना है टॉप नॉच किस्म का तो असद अफजल डिज़ाइन को कॉन्टैक्ट करना है। असद भाई हमारे बड़े प्यारे भाई हैं तो उनके लिए हमने उन्होंने कहा कि आप घर विज़िट करें, हमारा चेक करें। तो हमने कहा ज़रूर चेक करेंगे हम। और ओवरऑल आप एलिवेशन देखें तो दो कनाल का फ्रंट है इसका, खूबसूरत किस्म का इसमें जो है वो ट्रेवर्टीन लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि वाइट एंड ऑफ वाइट कलर को बड़ा ही प्रॉपरली बैलेंस किया हुआ है इन्होंने। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपका टेरेस आ जाता है फ्रंट पे एंड सिक्स पिलर्स से इन्होंने इसका जो है ना फ्रंट लिफ्ट किया है और यहाँ से आपका जो है वो विंडोज़ आ जाती हैं। लॉन इसका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ह्यूज साइज़ का लॉन है, आप इंजॉय कर सकते हैं लॉन को। यहाँ पर आपकी प्लांटेशन बड़ी ज़बरदस्त हुई है, साइडों पे गली बहुत अच्छी छोड़ी है। यहाँ पर आपका एक सिटिंग एरिया है आउटडोर सिटिंग के लिए। और ओवरऑल घर का अगर आप एलिवेशन को दोबारा से देखें, इस तरफ से एंगल देखें, तो हर एंगल जो है वो इसका प्रोपोर्शनेट है एंड अकॉर्डिंग टू स्पेनिश और क्लासिकल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। एंड प्रोपोर्शन इसके बड़े ज़बरदस्त दिए हैं इन्होंने और डिटेल्स इसमें माइनर माइनर से जो डिटेल्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। घर के अंदर चलते हैं, एंट्रेंस अगर आप चेक करें तो इसमें आयरन डोर हैं, ऊपर भी इन्होंने थोड़ा सा टेरेस एरिया बना दिया एंड इसमें एक ऊपर छोटा चैंडलियर लगा हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्बल में इन्होंने डिज़ाइनिंग की हुई है, मार्बल की कटिंग में इसकी डिज़ाइनिंग है एंड यहाँ पर आपका जो है फ्रंट डोर आ जाता है। घर के अंदर चल के देखते हैं घर के अंदर क्या क्या है, फॉलो मी। घर के अंदर आते साथ ही आपको खूबसूरत किस्म की स्पेनिश डबल हाइट लॉबी वेलकम करती है। सेंटर में इन्होंने राउंड टेबल दे दिया, आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर स्कल्पचर्स हैं हॉर्सेस के। एंड अगर आप देखें तो यहाँ पर इसका डाइनिंग ड्राइंग एंड किचन आ जाता है, इस तरफ टीवी लाउंज, दो बेडरूम्स आ जाते हैं एंड इसका जो है वो स्टडी एरिया आ जाता है, साथ पाउडर रूम भी है। और लॉबी में अगर आप खड़े हों तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पैलेस टाइप वाइब आती है और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का इसको इन्होंने डिज़ाइन किया है। सेंटर में मार्बल का पूरी ही कटिंग में इन्होंने डिज़ाइन दे दिया है। इसके पहले स्टडी में चलते हैं, स्टडी चेक करते हैं कि स्टडी कैसा है, क्योंकि ये बड़ा ही यूनिक सा एंड डिफरेंट किस्म का इन्होंने डिज़ाइन किया है। पीछे आप देखें तो एक वॉलपेपर आ जाता है, ऊपर अगर आप सीलिंग हमजा दिखाएं तो सीलिंग बहुत टॉप नॉच दी है इन्होंने, वुड में सारी सीलिंग है एंड इसकी कटिंग बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर हाई ग्लॉस टेबल आ जाती है जो कि आपके ऑफिस डेस्क के तौर पर आ जाए, इन क्लासिकल विंग चेयर्स आ जाती हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें इन्होंने पूरा रैक दे दिया, यहाँ पर आपका काफ़ी सारा सामान आ जाएगा। डोर्स का डिज़ाइन बहुत ही ज़बरदस्त है। चलते हैं इसके ड्राइंग एंड डाइनिंग की तरफ, ड्राइंग एंड डाइनिंग चेक करें तो फ्रंट पे एंट्रेंस पे ही राइट साइड पे इन्होंने ड्राइंग रूम दे दिया। ड्राइंग रूम अगर आप आएँ तो ड्राइंग रूम में खूबसूरत किस्म का ऑफ वाइट थीम है टोटल और ज़बरदस्त किस्म की फायर प्लेस आई थी सामने, क्लासिकल स्टाइल के इसके सोफ़ाज़ हैं, पीछे वॉलपेपर्स हैं, इसमें एसीज़ वगैरह भी आ रहे हैं वो भी फिट हो जाएंगे इसमें। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें चेस्टर्स इन्होंने रख दिए हैं और खूबसूरत किस्म की इसकी डिज़ाइनिंग है, टॉप नॉच फर्नीचर इसमें यूज़ हुआ हुआ है। रग्स देखें और इसके जो है वॉलपेपर्स अगर आप चेक करें तो ओवरऑल इस घर को डिज़ाइनिंग में कहीं पर भी किसी किस्म की कसर नहीं छोड़ी। डाइनिंग एरिया में अगर आप आ जाएँ तो इन्होंने डोर जो है लॉबी की तरफ से भी दे दिया, आपकी जो एंट्रेंस है वो डाइनिंग ड्राइंग रूम से भी है। ये आ जाता है इसका हाई ग्लॉस टेबल जिसमें 10 सीट्स हैं एंड इसका फुल साइज़ का शैंडलियर है, अभी इस पर शॉपर चढ़ा हुआ है क्योंकि ये अभी फ्रेशली इंस्टॉल्ड हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लैंप्स आ जाते हैं, कंसोल है और इसकी अभी काफ़ी सारी चीज़ों की सेटिंग होगी तो ये और खूबसूरत होता जाएगा क्योंकि ये फ्रेशली बिल्ड घर है, ब्रांड न्यू घर है। तो आप इसकी डिटेल्स एंड इसके वॉलपेपर्स देख सकते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। ये आ जाता है इसका मेन किचन, मेन किचन का जो एक डोर है यहाँ से आपका सर्विस किचन आ जाएगा। बट अगर आप मेन किचन चेक करें तो बैक स्प्लैश पर इन्होंने मार्बल स्टाइल में नेचर स्टाइल में टाइल आ जाती है। सेंटर में एक किचन आइलैंड है जिसपे मेन स्टोव आ रहा है एंड इसके ऊपर आपका एग्जॉस्ट सिस्टम आ रहा है। यहाँ पे क्लासिकल स्टाइल की टोटल जो कैबिनेट्स हैं वो टोटल ही इसकी जो है वो डिटेल्ड डिज़ाइनिंग में है। यहाँ पर आपका जो है वो इम्पोर्टेड इसमें माइक्रोवेव आ जाता है एंड इसमें बेकिंग ओवन आ जाता है, फ्रिज अभी इसकी आ रही है तो वो भी इसमें जल्द आ जाएगी। यहाँ से अगर आप देखें तो इसका सर्विस किचन है, सर्विस किचन इनफ साइज़ का दिया उन्होंने ब्लैक एंड ब्राउन वुड के साथ। यहाँ पर आपकी सिंगल डोर फ्रिज आ जाएगी एंड इसके जो ड्रॉर्स हैं एंड यहाँ पर जो है आप इसका देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत किस्म का इसको इन्होंने डिज़ाइन कर दिया। यहाँ से इसका शोरूम आ जाता है, चलते हैं जी वापस इसकी दूसरी साइड पर घर की एंड घर की बाकी चीज़ें भी देखते हैं। यहाँ पर स्टेयर केस इन्होंने दे दिया, बैक साइड पर ले गए स्टेयर केस को ताकि आपकी जो एक्सेस है तीनों फ्लोर्स की वो बड़ी आसानी से हो जाए। ये एक पैसेज इन्होंने बनाया, पैसेज अगर आप चेक करें तो लेफ्ट साइड पे आपका जो है वो टीवी लाउंज आ जाता है, यहाँ से आपका राइट साइड पे एक बेड है चाइल्ड बेड एंड लेफ्ट साइड मास्टर बेडरूम है। पहले टीवी लाउंज में चले तो टीवी लाउंज में इन्होंने नियो क्लासिकल स्टाइल का फर्नीचर दे दिया, सेंटर में कॉफी टेबल आ जाती है एंड ऊपर शैंडलियर देखें, सीलिंग्स चेक करें इसकी, सीलिंग की डिज़ाइनिंग बहुत ही यूनिक है। सामने जो है वो इसके ग्लास के मिरर्स के इन्होंने वॉल दे दी, ऊपर भी एयर कंडीशनर आ जाएगा तो ये बड़ा ही सेट किस्म का सीन बन जाएगा। यहाँ से इसकी मीडिया वॉल बन जाती है,
और इसके स्विचेस बहुत मजे की इन्होंने दिए हैं। अगर आप क्लोजली देख सकें इसको स्विचेस को, अगर आप चेक करें तो ये टॉगल स्विचेस हैं, ये कोई कन्वेंशनल स्विचेस नहीं है, बड़े क्लासिकल स्टाइल के, बड़ी एक अच्छी वाइब वाले स्विचेस हैं। यहाँ पर फायरप्लेस आ जाएगी, ये अभी क्लॉक फिक्स कर रहे हैं इधर, ये क्लॉक फिक्स हो जाएगी तो इसका बड़ा मजे का थीम बन जाएगा। वापस हम आप घर का फ्लो चेक कर सकते हैं कि हम वापस अपने पैसेज में आ गए हैं। एंड पैसेज की अगर आप हमसा बैक साइड दिखाएं तो एक बड़ा ही जबरदस्त किस्म का पर्सपेक्टिव बन जाता है। चाइल्ड बेड इसका देख ले तो चाइल्ड बेड में इन्होंने ब्लैक कलर का डार्केस्ट ब्राउन कलर यूज़ किया है इन्होंने बेड के ऊपर, एंड सिल्वर कलर में इसकी जो है वो साइड टेबल्स आ जाती हैं। पीछे सिंपल बैक वॉल है बट वेरी वेरी एलिगेंट वॉल पेपर इस पर यूज़ किया हुआ है, और साइडों पे इसका जो है वो क्लासिकल सीलिंग है। यहाँ से आपके जो है कुछ चेयर्स आ जाती हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके बाथरूम के अंदर भी इन्होंने जकूज़ी दिया है, सामने ग्लास वॉल है, मर्करी ग्लास है। यहाँ से आप टाइल देख सकते हैं, सिंपल एंड यूनिक टाइल है, एंड इसका जो है ये स्मार्ट मिरर आ जाता है। और ओवरऑल इस वैनिटी की लुक अगर आप चेक करें तो बहुत ही यूनिक एंड नाइस है। एंड यहाँ से आ जाता है आपका शावर कैबिन एरिया, पीछे दो निशेज आ जाती हैं, अच्छे खासे बड़े साइज़ का इसका शावर कैबिन एरिया, तो यहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं नहाना। और ये इसकी वार्डरोब्स देती हैं, वार्डरोब्स का डिज़ाइनिंग बहुत खूबसूरत दी है इन्होंने, और इसमें मैग्नेटिक इसमें जो है वो हिंजेस हैं। चलें तो इसकी अगर हम मास्टर बेड की तरफ चलें, मास्टर बेड भी बहुत मज़े का इन्होंने दे दिया। आप देख सकते हैं घर की वाइब, घर की ओवरऑल लुक जो है वो बहुत ही यूनिक है। नीचे वुडन फ्लोरिंग देखें, वुडन फ्लोरिंग बहुत ही ज़बरदस्त क्रॉस पैटर्न में है। एंड ये आ जाता है आपका मास्टर बेडरूम, यहाँ पर आपका कंसोल आ जाएगा, ये एक सिटिंग बनी हुई है इसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, ये इसका खूबसूरत किस्म का बेड आ जाता है। आप देख सकते हैं पीछे इन्होंने मोल्डिंग्स में ऊपर गोल्ड एंड वाइट कलर का पेंट है, एंड अगर आप हमसा क्लोजली दिखाएं इस वॉलपेपर को तो बहुत ही यूनिक वॉलपेपर इन्होंने यूज़ किया है, टेक्सचर्ड एंड नीट एंड क्लीन। और ये आ जाता है आपका ड्रेसिंग टेबल। डोर का डिज़ाइन अगर आप चेक करें तो इवन के डोर के बॉर्डर को तक को इन्होंने छोड़ा, क्लासिकल स्टाइल में टोटल बॉर्डर है इसका, एंड इसमें क्रॉस पैटर्न्स हैं। यहाँ पर अगर आप आ जाएँ तो इसका बाथरूम आ जाता है ब्लैक टाइल के साथ, ऑफ वाइट टाइल का कंपैरिजन बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन दिया है ओवल साइड का। यहाँ पर जो है वो आ जाता है आपका जकूजी, ये आ जाएंगे आपके वार्डरोब्स, शावर कैबिन, ह्यूज साइज़ का शावर कैबिन। यहाँ पर आपकी आ जाती है वैनिटी। चलते हैं जी घर के बाकी एरियाज़ की तरफ एंड उसको भी इन्जॉय करते हैं। इससे पहले हम फर्स्ट फ्लोर पर चलते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे जाके आपको दिखाते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे क्या क्या है, एंड देन हम बेसमेंट देखते हैं इसकी। बेसमेंट में बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। यहाँ पर अगर आप चेक करें तो कॉर्नर ग्लास इन्होंने दी है जो कि एक बड़ी नाइस डिटेल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वुड फ्रेम है इसके ऊपर, एंड ये जो वॉल इन्होंने दे दी है, हर घर के हर कॉर्नर को इन्होंने डिटेल बनाया है। ग्लास की कटिंग्स हैं, मोल्डिंग्स हैं, वॉलपेपर्स, इवन के वॉलपेपर्स इसमें इटालियन ब्रांड के हैं। सामने ट्रेवर्टीन स्टोन लगा हुआ है, ऊपर स्टार लाइटिंग है, एंड राउंड लॉबी है जो कि इसका बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का व्यू दे रही है। फर्स्ट फ्लोर पर चलते हैं, फर्स्ट फ्लोर पर आपको दिखाते हैं चल के। फर्स्ट फ्लोर पर आते साथ ही आपके सामने जो एक लॉबी की डबल हाइट लॉबी की कटिंग थी, यहाँ से अगर आप नीचे देखें तो आपको मेन डोर की एंट्रेंस नज़र आ रही है, सामने से भी कटिंग नज़र आ रही है, एंड राउंड इसके जो है कोरिन्थियन स्टाइल के पिलर्स हैं। ऊपर अगर आप देखें तो सीलिंग बहुत ज़बरदस्त है, डोम सेंटर में है, एंड इसका फुल साइज़ का शैंडलियर आ जाता है। ये जो एक पैसेज है, यहाँ से एक राइट साइड ऑफ द एलिवेशन है, वहाँ से लेफ्ट साइड एलिवेशन की है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले आपके सामने ऊपर का फुल साइज़ का किचन आ जाता है। किचन में इन्होंने ग्रेनाइट लगाया हुआ है, बैक स्प्लैश पर ब्लैक कलर की टाइल है, एंड अगर आप देखें इसमें तो वुड कलर में इसमें इन्होंने वुड की आई थिंक सॉलिड वुड की ये जो है इसकी कैबिनेट्स आई थी हैं। फोर टाइल का इसमें एग्जॉस्ट सिस्टम लगा हुआ है। यहाँ से भी इसका जो है वो एक स्टोर रूम आ रहा है, बल्कि यहाँ से आपकी ओपनिंग लॉन्ड्री आ रही है, जहाँ पर आपका लॉन्ड्री एरिया बन जाएगा, और ये भी बड़ा मजे का सीन बन जाएगा। यहाँ से डोर्स इसके अगर आप चेक करें तो ग्लास का इन्होंने सेपरेटर लगाया हुआ है, एंड ये आ जाता है मेड्स रूम। मेड रूम में अगर आप देख सकें तो फुल साइज़ के टाइल है, टॉगल स्विचेस हैं, फैन है, एंड सामने वॉशरूम है। और अगेन व्यू अगर आप घर के चेक करें तो बहुत ही यूनिक किस्म के दिए हैं। यहाँ पर आपकी कैलीग्राफी आ जाती है सेंटर में एक वॉल देखिए, एंड इसमें जो है वो वॉलपेपर आ जाता है, आई थिंक दिस इज़ रॉबर्टो कवाली वॉलपेपर। यहाँ से आ जाता है आपका राइट साइड एलिवेशन का फर्स्ट मास्टर बेडरूम। पीछे अगर आप साइज़ देखें तो 10 फीट या 12 फीट की बैक, आई गेस आई थिंक ये 12 फीट की बैक बनती है, एंड पीछे टफ्टिंग है, वॉलपेपर्स हैं, एंड इसमें बड़ा ही यूनिक से इसमें जो है उन्होंने सिटिंग दे दी, स्टडी एरिया दे दिया। यहाँ पर आपकी मीडिया वॉल आ जाएगी। ओवरऑल घर को अगर आप घूम के देखें तो हर कॉर्नर आपका एस्थेटिक है, एंड असद भाई ने इसमें कमाल का काम किया है, सो ऑल द क्रेडिट गोज टू हिम जिसने इसमें मेहनत की है जिन्होंने। और आप अगर डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो असद अजल का नंबर नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वॉशरूम के अंदर आते साथ ही आपको अगेन टॉगल स्विचेस वेलकम करते हैं। आप देख सकते हैं कि टॉगल स्विच बहुत ज़बरदस्त हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपके आ जाता है वैनिटी,
एंड मिरर, स्मार्ट मिरर है एलईडी लाइट के साथ। यहाँ पर आपके जो है वार्डरोब्स आ जाएंगी, वार्डरोब्स में क्रॉस पैटर्न्स हैं, क्रॉस पैटर्न्स अगर आप चेक करें तो बड़े ज़बरदस्त हैं। यहाँ पर आपका जकूजी आ जाता है, इसमें हर किस्म का फंक्शन है, इसमें जेटर्स भी इंस्टॉल्ड हैं, इसमें शावर एरिया है, यहाँ से आ जाएगा आपका शावर कैबिन, रेन शावर सिस्टम लगा हुआ है एंड ग्रूही की फिटिंग्स हैं। बिल्डर्स के क्रेडिट बिल्डर्स को जाते हैं, आर्किटेक्ट के क्रेडिट्स आर्किटेक्ट को जाते हैं एंड हम लोग इस घर में मेहनत कर रहे हैं वीडियो बनाने की, तो आपने हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करना है एंड कमेंट करना है आपको इस घर में क्या पसंद आया। चलते हैं जी इसकी बाकी दूसरी तरफ को। ये आपका टेरेस एरिया आ जाता है, कर्व्ड ग्लास इन्होंने कटिंग में इसको कर्व किया और टेरेस एरिया बड़े अच्छे साइज का दिया इन्होंने, फुल साइज़ का टेरेस है। अभी इसमें आउटडोर फर्नीचर आ जाएगा और कमाल का यहाँ पर जो है मौसम होता है टेरेसेस में, क्योंकि यहाँ पर हवा की क्रॉसिंग बड़ी ज़बरदस्त से आ रही होती है तो सर्कुलेशन होती है हवा की, तो इसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर बड़ा अच्छा होता है। यहाँ पे फायरप्लेस आ जाती है और पीछे इन्होंने सीएनसी जाली दे दी और ऊपर ओवरऑल इसके कर्व्स आप देख सकते हैं बड़े ही यूनिक हैं। यहाँ से अगर आप अंदर आ जाएं तो इसका आई थिंक फर्स्ट फ्लोर का पाउडर रूम है ये, यस यहाँ पर इसका पाउडर रूम आ जाएगा। टाइल का स्टाइल अगर आप देखें, स्मार्ट मिरर दे दिया स्मॉल साइज़ का और वैनिटी आ गई, सामने टॉयलेट एरिया आ गया, यहाँ से आप टेरेस की तरफ भी जा सकते हैं, आपका जो है वो पूरा इसमें बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का सीन बन जाता है टेरेस का। चलते हैं जी उस तरफ को एंड इसके बाकी बेडरूम्स देखते हैं, बेडरूम्स इसके बहुत क्लासी हैं तो इसमें हर चीज़ को इन्होंने प्रॉपर बैलेंस किया हुआ है। सामने वॉल के ऊपर भी आप कॉलम्स देख सकते हैं। यहाँ पर आ जाए तो इसका टीवी लाउंज आ जाता है, आप इसकी बैक चेक करें एंड इसके जो है कर्टन्स देखें तो खूबसूरत किस्म के कर्टन्स हैं एंड इसके जो एक ओवरऑल इन्होंने वाइब बनाई है रेड कलर में, बड़ा ही प्यारा रेड कलर इन्होंने यूज़ किया यहाँ पे एंड ये आपका जो है मीडिया वॉल आ जाएगा। कॉन्सोल्स इन्होंने हाई ग्लॉस स्टाइल के बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के रख दिए हैं और ऊपर सीलिंग का डिज़ाइन अगर आप चेक करें तो इंतहाई अमेजिंग एंड यूनिक है। डोर्स इन कटिंग्स और यहाँ से लॉबी के व्यूज़, हर चीज़ इस घर में सोच समझ के लगाई गई है। ये कॉन्सोल्स यहाँ से उठ जाएंगे, ये अभी फिलहाल के रखें। चाइल्ड बेड आ जाता है फर्स्ट फ्लोर का, फर्स्ट जो है वो मास्टर बेड दिखाया था, ये चाइल्ड बेड है। पीछे अगर आप देखें तो ग्रे कलर की बैक है, यहाँ पर आपका ड्रेस मीडिया वॉल प्लस ड्रेसिंग आ रहा है एंड ओवरऑल इस रूम की भी वाइब जो है बड़ी डिफरेंट एंड यूनिक है। यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा नियो क्लासिकल स्टाइल को इंट्रोड्यूस किया है, आपका मॉडर्न वॉशरूम है, थोड़ा सा लाइट सा क्लासिकल स्टाइल में इसका जो है वो इन्होंने ओवरऑल डिज़ाइनिंग यूज़ की है। सीलिंग में थोड़े से पैटर्न्स हैं एंड यहाँ से आपका शावर कैबिन आ जाता है। इसके जो वार्डरोब्स हैं उनके ऊपर भी इन्होंने न्यू क्लासिकल स्टाइल में डिज़ाइनिंग की हुई है, तो ये भी बड़ा मज़े का सीन इस घर का है। देख सकते हैं कि बेड की जब आप बैक रूम देखते हैं तो बड़ा ही मज़े का है। मास्टर बेडरूम इसका बहुत ही अमेजिंग है, आप अंदर आएँ आपको रॉयल स्टाइल की फील आएगी, आप ऐसा फील करेंगे जैसे कि आप यहाँ के किंग हैं। ऑटोमैन आ जाता है यहाँ पर और साथ ही साथ अगर आप देखें तो ओवरऑल इस घर की पूरी वाइब जो है वो एक बड़ी ही जैगेंटिक किस्म की क्लासिकल वाइब है। आप देख सकते हैं कि पीछे इन्होंने वुडन में सीएनसी कटिंग दे दी, मर्करी मिरर है कॉपर स्टाइल कॉपर कलर में एंड इसमें टफ्टिंग्स हैं, क्लासिकल बेड है फिर टफ्टिंग्स हैं और ये आ जाती है सिटिंग, इसकी सिटिंग बहुत ही खूबसूरत इन्होंने दी है, ऊपर सीलिंग का डिज़ाइन कर्व्ड में है। तो ये डिटेल्स होती हैं जो घर के अंदर आपने क्लासिकल घर के अंदर स्पेशली पुट करनी होती हैं। जो वॉशरूम इसका देखें तो पीछे इन्होंने पूरी क्रॉस एल शेप्ड वार्डरोब्स आ गई इसकी, यहाँ पर इसकी वैनिटी आ जाती है मेन वैनिटी, स्मार्ट मिरर, ग्रे टाइल्स, वाइट कोरियन एंड देन दिस इज़ द टाइल आई एम लुकिंग फॉर, कमाल की टाइल यूज़ किया इन्होंने। इसके ऊपर जो है वो नेचर का पैटर्न है, निश बहुत ज़बरदस्त है, जकूजी आ जाता है, जकूजी इन्होंने काफ़ी सारे इंस्टॉल किए हैं इस घर में एंड ये आ जाता है शावर कैबिन। शावर कैबिन की टाइल का स्कीम चेक करें तो बहुत ही खूबसूरत सा इन्होंने इसको जो है ऊपर रेन शावर सिस्टम लगा हुआ है एंड ओवरऑल इसकी कैले की वैनिटीज़ हैं, सॉरी कंसील टॉयलेट्स हैं। इसकी वॉल ह्यूज साइज़ की वॉल है, चाहते तो छोटी भी दे सकते थे बट इन्होंने क्वालिटी एश्योर की है पूरी। चलते हैं जी इसकी बेसमेंट की तरफ एंड बेसमेंट आपको दिखाते हैं। ओवरऑल बेडरूम्स इसके बहुत यूनिक हैं, इसकी इस घर की हर चीज़ जो क्लासिकल टचेज इसमें दिए हैं इन्होंने वो शो कर रहे हैं कि आप एक स्पेनिश एरा के घर में घूम रहे हैं एंड इसकी जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने आप देख सकते हैं। मोज़ेक में काफ़ी काम है इसका, मोज़ेक में मेंशन करना भूल गया, स्टार्टिंग में इन्होंने मोज़ेक का काम किया हुआ है एंड एंट्रेंस के ऊपर भी। चलते हैं जी नीचे स्टेप्स के ऊपर ग्रेनाइट लगा हुआ है, बेसमेंट में चल के आपको मिलते हैं, फॉलो मी। बेसमेंट में आते साथ ही आप देख सकते हैं रेलिंग का डिज़ाइन कितना खूबसूरत है। यहाँ पर आपका आ जाता है टीवी लाउंज और कंसोल इसमें लगा हुआ है। पीछे आपका जो है वो एक छोटा से आई थिंक ओपनिंग है, यहाँ पर भी ड्राइंग रूम स्टाइल का एरिया बन जाएगा। इसमें सिनेमा भी है, थिएटर जो होम थिएटर होता है वो भी आपको दिखाते हैं चल के अंदर आएँ। तो अभी इसमें अगर जैसे मैंने बताया छोटे मोटे काम अभी इसके होने वाले हैं, डिटेलिंग वर्क,
तो वो सब हो जाएंगे, तो ये और खूबसूरत हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसमें इन्होंने बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के रिक्लाइनर्स दिए हैं वेलवेट टच में, सॉफ्ट पैडिंग हुई भी ओवरऑल वॉल्स पे ताकि एकूस्टिक प्रोटेक्शन हो जाए साउंड की। सीलिंग अगर आप चेक करें तो डार्क ग्रे कलर की सीलिंग है, बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही है। एंड पीछे कुछ वुड में डिज़ाइन है, पीछे सोफ़ाज हैं, एंड इसमें जो है प्रोजेक्टर 4K लगा हुआ सोनी का, और यहाँ से आपकी जो है वो स्क्रीन आ जाती है। साउंड सिस्टम इसमें JBL का दे दिया इन्होंने, तो थिएटर का भी सीन इन्होंने फुल ऑन कर दिया। और यहाँ से अगर आप आएँ तो इसका अगेन पैसेज आ जाता है। ये है इसका स्नूकर रूम, स्नूकर रूम चेक करें तो इसमें एक उन्होंने स्नूकर टेबल रख दी, यहाँ से आपका संकेत एरिया आ रहा है साइड पे सारा। स्नूकर टेबल भी फ्रेशली इंस्टॉल्ड है, तो अगर आपको मैं इसके ऊपर से ये क्लॉथ हटा के दिखाऊँ, आप देख सकते हैं कि फ्रेश ग्रीन कलर है अभी ये, बिल्कुल भी टच नहीं हुई, फर्स्ट टाइम इसको शायद मैं ही टच कर रहा हूँ। इसको हम बैक रहने देते हैं। सीलिंग जो है इसकी देखें, सीलिंग बहुत ज़बरदस्त, सामने भी LED आ जाएगी तो इसका एक प्रॉपर सी वाइब बन जाएगी। इसमें एक चेस्टर इन्होंने सोफ़ा रख दिया, और सामने भी देखते हैं सामने क्या क्या है। यहाँ पर इसका स्टोर रूम आ जाता है, ये इसका एक छोटा सा इन्होंने स्टडी एरिया दे दिया, साइड पर सारा संकीर्ण एरिया चल रहा है जिसकी आपको जो है वो लुक नज़र आ रही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो सामने स्टडी एरिया आ जाता है, रैक आप इसको लाइब्रेरी के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, इसको प्रेयर रूम के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके चलते हैं लास्ट बेडरूम की तरफ जो कि इसकी बेसमेंट में है। और अगर हमजा आप थोड़ा सा घूम के इस तरफ आ जाएं एंड हमारे व्यूअर्स को आप ये साइड दिखाएं तो कमाल का इसका पैसेज है, खूबसूरत किस्म का इसका एस्थेटिकली प्लीजिंग पैसेज है। एंड आप देख सकते हैं ट्रेवर्टिन स्टोन है यहाँ पर, यहाँ से इसका जिम आ जाता है, जिम के अंदर भी इक्विपमेंट आ जाएगी तो जिम भी यूज़ अच्छे तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो है वो मिरर वॉल है सारी, और एक ज़बरदस्त किस्म की इसमें सॉफ्ट कारपेट है। चलते हैं जी इसकी लास्ट बेडरूम की तरफ, इसके साथ ही पाउडर रूम भी है जो कि जिम के यूजेज में रहेगा। एंड ये है जी इसका लास्ट बेडरूम, एंड ट्रेवर्टिन स्टोन, खूबसूरत किस्म की इसकी वाइब है। आप देख सकते हैं कि ऑफ वाइट कलर का बड़ा ही ज़बरदस्त इसकी जो है ना वो एक लुक आ रही है। सीलिंग का वर्क, सामने सोफ़ा आ जाता है, 10 feet बैक वाला बेड है, यहाँ पर इसका क्लासिकल ड्रेसिंग आ रहा है। एंड इसका यहाँ से आ जाता है आपका वॉशरूम। अगर आप वॉशरूम देखें तो आपको लगेगा कि आप वॉक इन क्लोज़ेट में हैं, बट अगर आप राइट साइड को मूव करेंगे तो पूरे वॉशरूम का आपका जो है वो व्यू ओपन हो जाता है। यहाँ से आपकी वैनिटी आ जाती है, स्मार्ट मीटर के साथ है, यहाँ पर आपका जो है वो कंसील्ड टॉयलेट एरिया आ रहा है, एंड यहाँ पर आपका शावर कैबिन आ रहा है। पीछे इन्होंने ग्रेट आई में बुक मैच दे दिया, तो ओवरऑल इस घर की जो डिज़ाइनिंग है असद साहब ने बड़ी मेहनत से की है। एंड इसमें हर चीज़ की डिज़ाइनिंग अगर आप देखें तो डिज़ाइनर की दिमाग भाई जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा है। आप देखते हैं सीलिंग में डिटेल्स हैं, इसके डोर्स में डिटेल्स हैं, इसकी मोल्डिंग्स हैं, इसकी फ्लोरिंग है, इसकी सीलिंग वर्क बहुत मुश्किल है, वार्डरोब्स का डिज़ाइन है, बाथरूम्स का डिज़ाइन है, बेडरूम्स का डिज़ाइन है। तो ओवरऑल प्रोड्यूस टू असद अफजल डिज़ाइन स्टूडियो जिन्होंने इसमें काम किया है। एंड सी यू आउटसाइड। तो ये था जी 2 Canal क्लासिकल स्पेनिश, ज़बरदस्त किस्म का घर, डिज़ाइन बाय असद अफजल डिज़ाइन। अगर आपको ये घर खरीदना होगा तो आपको नीचे हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करनी है। एंड अगर आपको घर इस तरह का डिज़ाइन करवाना है तो आपने असद अफजल डिज़ाइन को कॉन्टैक्ट करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अल्लाह हाफिज़।